हम आपको दिखाएंगे। ये एक टॉपिक था इंटरेस्टिंग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि इमल्सन को बनाते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। बाकी के टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, आगे बात करते हैं कि इमल्सन को कैसे बनाए जाते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेकिंग इमल्सन। और इस मेथड से थ्योरी नहीं पूछेगा, इस मेथड से क्वेश्चन पूछता है रेशियो का। जीपैड में बहुत बार पूछा गया है कि ड्राई गम मेथड वेट गम मेथड में क्या रेशियो होता है। देखिए आपको एक चीज याद करना है कि तीन चीजें बहुत जरूरी है इमल्सन बनाने के लिए, एक ऑयल, एक वाटर और तीसरा गम। व्हाट इज द गम? गम इज अ इमल्सिफाइंग एजेंट जो दोनों को मिलाता है। मैंने कहा शादी होती है आग लड़की लड़का और दोनों को मिलाने वाले अगुआ मीडिएटर, ये तीन लोग का होना बहुत जरूरी है शादी के लिए। उसी तरह से इमल्सन वाटर ऑयल और गम, ये तीन चीजें मिलकर ही। अब इन तीनों चीजों को किस रेशियो में मिलाते हैं, पहले वाटर ऑयल को मिलाएंगे या पहले वाटर गम को मिलाएंगे या पहले ऑयल गम को मिलाएंगे, इसी के आधार पर ये तीन चार प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा इसको जीपैड के हिसाब से। पहला है ड्राई गम मेथड। ड्राई का मतलब क्या है? ड्राई मतलब इसमें ड्राई में पानी नहीं होता है, सूखा होता है, तो पानी का इस्तेमाल बाद में होगा। ये ट्रिक है याद करने की कि ड्राई गम मेथड में, क्योंकि ड्राई है इसलिए पानी का इस्तेमाल, क्योंकि बिना पानी के इस्तेमाल तो इमल्सन बना नहीं सकते, लेकिन पानी का इस्तेमाल बाद में। बाद में मतलब तीन चीजें होती है, ऑयल वाटर और गम। तो अब पानी के इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, क्या बचा? ऑयल और गम। तो इसमें पहले ऑयल और गम को मिक्स करेंगे। देखिए इसमें ऑयल और गम, गम मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट, इसका इस्तेमाल पहले करेंगे बच्चों। ऑयल और गम को पहले मिक्स करेंगे, मिलाने के बाद इसको ट्राइचुरेट करेंगे, खुद मिलाएंगे और फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे। तीसरा चीज क्या है? वाटर मिला करके इसको फिर से मिक्स करके बोतल में भर देंगे, इमल्सन तैयार। दिस इज ड्राई गम मेथड। दूसरा है वेट गम मेथड। अब वेट मतलब गीला, गीला मतलब पानी पहले, यानी इस बार पानी पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी जो गम है जहां पे उसको ऑयल के साथ मिक्स किया था, इस गम को इस बार वाटर के साथ मिक्स करेंगे। जब गम को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे और फिर टाइचुरेट करेंगे, अब इसमें ऑयल डालेंगे, जिसे आपने उल्टा किया था, ऑयल डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे और बोतल में भर दिया, तैयार हो गया इमल्सन हमारा तैयार। क्लियर हो गया कि ड्राई गम मेथड वेट गम मेथड डिफरेंस क्या है? ड्राई गम, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जीपैड में, इन द ड्राई गम मेथड द वेट या गम इज एडेड फर्स्टली विथ, किसके साथ मिलाते हैं इन ड्राई गम मेथड? ऑप्शन दे देगा ऑयल वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट नन। तो ड्राई गम मेथड में गम मिलाते हैं ऑयल के साथ और वेट गम मेथड में गम मिलाते हैं वाटर के साथ, ये क्वेश्चन बनता है यहां से। आगे बात कर लेता हूं। तीसरा है बॉटल मेथड। ये बहुत सिंपल बॉटल मेथड है, एक चीज कंटेनर लीजिए, उसमें दोनों बारी बारी से मिक्स कीजिए और हिलाते रहिए, मिक्स कर दीजिए, ये बन गया हमारा बॉटल मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। और अगर हमें बड़े लेवल पे बनाना है फैक्ट्रीज में, जहां पे लाखों लाखों लीटर एक बार में इमल्सन बनते हैं, फिर वो बोतल में भर के मार्केट में जाते हैं, उसे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में बेसिकली क्या करना होता है, उसको मिक्स करना होता है, तो वहां पे मैकेनिकल स्टीरर लगे होते हैं, एक मैकेनिकल स्टीरर मेथड है और दूसरा होमोजिनाइजर मेथड है, इनको बताऊंगा डिटेल में बाद में। पहले इस मेथड्स को हमने समझ लिया, अब इससे क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जीपैड बनता है, आपको बता दूं कि कितने प्रकार के जो प्रपोर्शन है, कितने प्रकार के मेथड्स हैं, उसमें मैंने कहा तीन चीजें होती है, ऑयल वाटर गम। एग्जाम में रेशियो पूछता है कि इस मेथड में ऑयल गम वाटर का रेशियो क्या होता है, इस मेथड में ऑयल गम वाटर का रेशियो क्या होता है। जैसे एग्जांपल पूछेगा कि वोलाटाइल टर्पेंटिलर सैंडलवुड सिनामिन हमने मिला करके एक इमल्सन बनाया, तो इसमें ऑयल वाटर गम का मेथड रेशियो क्या होगा। हमसे पूछेगा कि भाई हमारा कोई कॉम्बिनेशन जो है उसमें कैस्टर ऑयल वगैरह है, या इधर देखिए हमारे पास चार मेथड है, ड्राई गम मेथड, बोटल मेथड, बोटल मेथड, इसमें रेशियो क्या होना चाहिए। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करिए, समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके जीपैड के हिसाब से, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है ड्राई गम मेथड, इसको याद कर लो 4:2:1। ड्राई गम मेथड का रेशियो होता है 4:2:1, यानी 4 पहले हम ऑयल 4 यूनिट लेंगे, वाटर 2 यूनिट लेंगे और गम 1 यूनिट लेंगे। हमेशा याद रखना बेटा, गम हमेशा एक होता है, एक यूनिट होता है गम, और उसी के कंपेयर में हम वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं, तो हमेशा गम एक होगा। याद आपको कल करना है ऑयल और वाटर, तो क्योंकि मेथड है ड्राई गम मेथड, तो ड्राई गम मेथड है तो इसमें क्या ज्यादा होगा, इसमें ऑयल ज्यादा होगा, तो 4:1 में 4 ऑयल है, 2 वाटर है और 1 गम, याद हो गया ये मेथड। अब इसका एग्जांपल क्या है, किस किस में इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मेथड से कौन कौन से हम इमल्सन बनाते हैं, बेसिकली फिक्स्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, एलमंड ऑयल हो गया, ये सभी जो हम लोग ऑयल के इमल्सन बनाते हैं वो हम ड्राई गम मेथड से बनाते हैं।
ये एग्जांपल भी याद रखेगा, जीपैट के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। दूसरा है बॉटल मेथड। अब बॉटल मेथड जो है वो दो प्रकार से होता है दोस्तों। बॉटल मेथड में एक होता है 3:2:1 रेशियो के हिसाब से, एक होता है 2:2:1 रेशियो के हिसाब से। अब 3:2:1 रेशियो के हिसाब से, 3:1 के हिसाब से एग्जांपल है मिनरल ऑयल पैराफिन ऑयल। अगर आप पैराफिन ऑयल या मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करते हुए इमल्सन बनाते हैं बॉटल मेथड से, तो रेशियो फॉलो होता है 3:2:1। वहां से पूछे क्वेश्चन क्या जीपैट में कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन व्हेन वी यूज द पैराफिन ऑयल देन व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या होगा 3:2:1, 3 ऑयल 2 वाटर एंड 1 कप। अगर यही बॉटल मेथड का हम इस्तेमाल करके टर्पेंटीन ऑयल, सैंडल ऑयल, सिनामोन ऑयल, वर्ल्ड ऑयल, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मिनरल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3:2:1, और अगर वोलाटाइल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2:2:1 रेशियो हो जाएगा, 2:2:1 यानी 2 ऑयल 2 वाटर एंड 1 गम। गम हमेशा एक होता है। और लास्ट वाला है आपका बेसिकली 1:2:1 बॉटल मेथड का तीसरा तरीका है 1:2:1। अगर हम किसी ओलियो रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, ओलियो रेजिन ये भी एक तरह का ऑयल का नेचर है, उस प्रकार के इमल्सन्स के लिए हम 1:2:1 मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बॉटल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ये जो नोट्स में लेके आ रहा हूं उसको याद रखिएगा कि अगर मिनरल ऑयल है तो रेशियो 3:2:1 का है, वोलेटाइल ऑयल है तो रेशियो 2:2:1 का है, और अगर आपका ओलियो रेजिन्स है तो रेशियो 1:2:1। ये रेशियो याद रखना, इस रेशियो से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि तीसरा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। उस इंडस्ट्रियल मेथड से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। जो नोट्स बनाए जा रहे हैं बच्चों वो सारे केवल और केवल बेस्ड हैं किस पे, वो बेस्ड है आपके जीपैट के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आज तक आए हैं, जो क्वेश्चन आज तक आने वाले हैं, जो पूछे जाएंगे उसी से बनाया जा रहा है। अब इसकी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, थ्योरी पढ़नी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर मेरी स्टूडेंट्स की वीडियो देखिए, आपको सब थ्योरी समझ में आ जाएगी। अब देखिए मैंने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल मेथड में पहला है मैकेनिकल स्टीरर, पूछता है कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर विच मेथड, आपसे पूछेगा किस मेथड में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, ये आपको याद करना है। तो मैकेनिकल स्टीरर में, स्टीरर क्या होता है, आपने मथरी देखा कभी, मम्मी लोगों ने माठा मारा है तो जो मशीन होती है ना प्रोपेलर वो स्टीर करती घूमती है तो पार्टिकल टूटते हैं। तो स्टीरर मेथड में कौन कौन से मशीन यूज होते हैं, पहला है टर्बाइन टाइप मिक्सचर, पैडल ब्लेड मिक्सचर, काउंटर रोटेटिंग ब्लेड और प्लेनेटरी एक्शन ब्लेड। अब आपसे पूछ लेगा कि द प्लेनेटरी एक्शन ब्लेड इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ स्टीरिंग, आपसे पूछेगा मैकेनिकल, कोलाइडल, होमोजेनाइजर, अल्ट्रासोनिफिकेशन, तो आपको याद रहना चाहिए कि मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के चार एग्जाम्पल है टर्बाइन टाइप, पैडल टाइप, काउंटर रोटिंग टाइप और प्लेनेटरी टाइप, ठीक है, ये चार तरह की चीजें आपको इस्तेमाल की जाती है मैकेनिकल स्टीरिंग, ये आप यहां पे दोस्तों याद कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं P2CT, आप इस तरह से याद कर लीजिएगा P2CT, यानी दो P है, एक C है, T है, P2 मतलब प्लेनेटरी और पैडल, C से काउंटर रोटेटिंग और T से टर्बाइन मिक्सर, हो गया, बाकी आप ऐसे आप कुछ याद कर सकते हैं। दूसरा है कोलॉइडल में, तो देखिए कोलॉइडल में दोस्तों इस्तेमाल कहां होता है, जहां पे ऑयल थोड़ा ज्यादा हो, जहां पे पार्टिकल साइज थोड़े बड़े हो, वहां पे हम कोलॉइडल इस्तेमाल करते हैं। उस केस में है हाई इसियर प्रिपेयर विस्कस इमल्सन बनाने के लिए, जब भी इमल्सन से नहीं, मैंने कहा ना पार्टिकल साइज थोड़े बड़े हो, विस्कस हो, उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहां से पूछेगा कि कोलाइडल मिल फॉर द इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ इमल्सन, तो ये होता है विस्कस इमल्सन के लिए हम लोग कोलाइडल मिल का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। अगला है आपका होमोजेनाइजर, जो होमोजेनाइजर होता है इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोजेनाइजर मतलब क्या होता है, नाम से लग रहा है होमो मतलब होता है सेम, सारे पार्टिकल जो साइज होंगे इमल्सन के जितने भी पार्टिकल साइज होंगे वो सब सेम साइज के होंगे। इस पे खास काम क्वेश्चन पूछता है कि वो किस प्रेशर पे काम करता है, तो ये जो है 5000 से लेकर 25000 पास्कल प्रेशर पे काम करता है, ठीक है, यानी होमोजेनाइजर मशीन को हाई प्रेशर पे काम करता है। क्वेश्चन जीपैट का यही है कि कितने प्रेशर के अंडर काम करता है, वो है 5000 से 25000। और लास्ट है अल्ट्रासोनिफायर, जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा करना होता है, बहुत छोटा करना होता है, हम अल्ट्रासोनिफायर यूज करते हैं, यानी पार्टिकल साइज बड़ा है तो कोलाइडल मिल यूज करेंगे, हमको पार्टिकल साइज छोटा रखना है तो हम मैकेनिकल स्टीरर यूज करेंगे, और बहुत छोटा रखना है तो अल्ट्रासोनिफायर यूज करेंगे। अल्ट्रासोनिफायर में जो प्रेशर है वो 150 से 300 पास्कल के बीच में होना चाहिए, पहला टॉपिक ये है जो क्वेश्चन आता है।
उसके साथ साथ ये किस मेथड पे आधारित है, ये पॉलम लिक्विड विसल के मेथड पे आधारित है, ये टॉपिक याद रखना। क्वेश्चन है कि आपका जो अल्ट्रासोनिफायर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो है पॉलम लिक्विड विसल मेथड पे आधारित है, पॉलमैन लिक्विड विसल मेथड। ये पॉलमैन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको खोजा था, ये तो आप पहले समझ चुके होंगे, उनके नाम पे इसको रखा गया था। ये क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीपैड में कि विच मेथड ऑफ मेकिंग इमल्सन इज बेस्ड ऑन पॉलमैन लिक्विड विसल। ऑप्शन रहेगा होमोजेनाइजर, मैकेनिकल स्टीरर, कोलाइडल स्टीरर या अल्ट्रासोनिफायर। एग्जाम अल्ट्रासोनिफायर जो है वो पॉलमैन लिक्विड, इसको ऐसे याद रखिएगा, जो सोनी एक लड़की है सोनी, उसके हस्बैंड का नाम है विसल, उसके हस्बैंड का नाम है पॉलमैन, और उसने अपनी वाइफ सोनी को सीटी मार के पटाया था। विसल मतलब सीटी बजाया, सीटी किसने बजाया, पॉलमैन ने, और किसको पटाया, सोनी को, यानी अल्ट्रासोनिफायर किससे रिलेटेड है, विसल वाले आदमी से, यानी पॉलमैन लिक्विड विसल मेथड से। इस तरह से कुछ चीजें याद करेंगे तो हो सकता है आपको याद करने में आसानी हो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करने जा रहा हूं, ठीक है, कि इमल्सन को कैसे पहचानेंगे कि इमल्सन किस प्रकार का है। ये थ्योरी पोर्शन मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, आप जाके थ्योरी पोर्शन यूट्यूब पे देख लीजिएगा। यानी कि अगर आपके सामने कोई बोतल में इमल्सन रख दिया जाए और आपसे ना बताया जाए कि ये वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन है या ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन है, तो आप कैसे पहचाने। एक चीज आपको पहले ज्ञान होना चाहिए, पहली चीज कि अगर वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन है या ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन है तो खास अंतर क्या है। वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन होगा तो ऑयल ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, भाई जो इधर होता है वो कम होता है, क्लियर हो गया। यानी पूरे इमल्सन का नेचर लगभग ऑयली होगा, और अगर ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन है तो पानी ज्यादा होगा, ऑयल कम होगा, यानी पूरे इमल्सन का नेचर लगभग वाटरी होगा, एक्वस होगा। ये चीज अगर मन में क्लियर है तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान है, बहुत इजी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम बताएंगे आपको कैसे करना है। पहला है कलर। अब आप मुझे बताइए कलर की बात करें तो जिसमें पानी, भाई अगर एक में पानी ज्यादा है एक में तेल ज्यादा है तो ज्यादा क्लियर कौन लगेगा देखने में, पानी वाला कि तेल वाला। एकदम सीधी बात करिए, जो पानी जिसमें ज्यादा है वो क्लियर दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, और जिसमें ऑयल ज्यादा है वो कैसे दिखेगा, थोड़ा सा ऑयली नेचर का, या थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा, हल्का सा ब्राउनिश या येलो कलर दिखेगा, है ना, तेल येलो कलर के होते लगभग। तो इसमें कलर से हम पहचानेंगे कि जो ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन जिसमें पानी ज्यादा है वो क्लियर दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, जबकि ये ऑयल के कलर का दिखेगा, कौन सा, वाटर अपॉन ऑयल। अगर तेल का कलर लाल है तो लाल, पीला है तो पीला, हरा है तो हरा, जिस कलर का तेल रहेगा उस कलर का इमल्सन दिखेगा, लेकिन इस केस में हमेशा क्लियर दिखेगा क्योंकि पानी कलर का है। दूसरा फील ऑन स्किन, आपके स्किन पे अगर मैं आपको टच करूं तो कैसा लगेगा। देखिए पानी वाला इमल्सन जिसमें पानी ज्यादा है उसको छूओगे तो बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगेगा, लेकिन जिसमें तेल ज्यादा अगर उसको अपने शरीर स्किन पे लगा के सही रगड़ोगे आप फील करोगे कि चिपचिपा लगेगा। यानी जो ऑयल अपॉन वाटर है वो बिल्कुल नॉन ग्रीसी लगेगा, बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगेगा, जबकि ऑयल वाटर अपॉन ऑयल वाला वो ग्रीसी लगेगा क्योंकि उसमें ऑयल ज्यादा है, दैट्स इट। अगला है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब इसको समझिए, दो तरह के डाई होते हैं, वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल। हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वाटर सॉल्युबल डाई। अब वाटर सॉल्युबल डाई को हम किसी इमल्सन में घोलेंगे, ठीक है, किसी इमल्सन में घोलेंगे। अब उस इमल्सन में दो चीजें हैं, वाटर भी है और ऑयल भी है। तो इमल्सन क्योंकि कलर जो है वो डाई जो है वाटर सॉल्युबल है तो केवल घुलेगा किसमें, पानी में, तेल में घुलेगा नहीं। अगर आपका ये दोस्तों पूरा एक इतना बड़ा सा इमल्सन है और उस इमल्सन में आपने जब डाई घोल दिया तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे जो पूरा इमल्सन का जो कलर है वो कलरफुल हो गया, यानी पूरा इमल्सन जो है वो कलर्ड हो गया, और दूसरे वाले में हमने डाला तो हमें कहीं कहीं पे कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं कहीं पे कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं मतलब पानी कहीं कहीं है, क्योंकि कलर जो डाला है वो पानी में घुलता है, तो पानी कहीं कहीं है मतलब पानी कम है, तो पानी कम है मतलब ये वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन हो जाएगा। और अगर पूरा कलर हो गया मतलब कलर ज्यादा था, यानी कि पूरे में पानी भरा हुआ है तो मतलब पानी ज्यादा है, तो ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन हो गया, ऐसे पहचानेंगे। अब इसका बेसिकली एग्जांपल याद कर लेते हैं, और देखिए इस केस में हम लोग जो वाटर सॉल्युबल डाई इस्तेमाल करते हैं वो एमरेंथ और मिथाइलिन ब्लू याद करते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए कौन सा वाटर सॉल्युबल डाई इस्तेमाल करते हैं वो है एमरेंथ और मिथाइलिन ब्लू, और अगर हम ऑयल सॉल्युबल डाई यूज करेंगे तो यही चीज पलट जाएगी,
है ना, अब आप समझ गए हम कैसे। तो ऑयल सॉल्युबल डाई कौन कौन सा है, सुडान सेकंड और सैक्रिलेट रेड, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑयल सॉल्युबल डाई जो इस्तेमाल होता है वो है सुडान और सैक्रिलेट रेड, और वाटर सॉल्युबल डाई इस्तेमाल करते हैं वो है मिथाइल ब्लू और एमरेंज, ये याद करिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब डायलूशन टेस्ट की बात करें, व्हाट इज द डायलूशन, डायलूशन का मतलब होता है किसी में पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो क्या होगा। अब भैया देखिए, जो ऑयल अपॉन वाटर इमल्शन है जिसमें पहले से पानी ज्यादा है, अगर उसमें एक आध मक्खा दो मक्खा पानी और बढ़ा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में प्रिंसिपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें ऑयल ज्यादा है यानी वाटर अपॉन ऑयल इमल्शन में जिसमें ऑयल ज्यादा है, अगर उसमें पानी डाल दो एक आध दो मक्खा, क्योंकि पानी तो उसमें मिक्स होगा नहीं, इमल्शन ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, वहां पे नॉट मिसिबल होगा, वहां पे ब्रेकिंग आ जाएगा, ब्रेकिंग मतलब अलग होना। तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं, भाई कोई इमल्शन ले लो, पानी डाल दो, दो मक्खा पानी डाल दो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो मतलब ये ऑयल अपॉन वाटर था, और अगर पानी और तेल अलग अलग हो गया तो मतलब वो वाटर अपॉन ऑयल था, पहचान लिया। और बाकी बॉटलिंग पेपर टेस्ट में, मतलब बॉटलिंग पेपर टेस्ट में देखा जाए तो जो ऑयल अपॉन वाटर है, भाई कोई पेपर ले लो उसमें थोड़ा सा दो तीन ड्रॉप डाल दो, तो पेपर जो होता है वो पानी से गीला होता है, ऑयल से गीला नहीं होता है, तो जिसमें पानी ज्यादा है उससे वेट हो जाएगा, जिसमें पानी नहीं है उसमें वेट नहीं होगा। ये एक सिंपल सा आपका दोस्तों मेथड, क्लियर हो गया। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने कैसे कैसे किया, कुछ और देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग, क्रीमिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब किसी तेल में आप पानी की कुछ बूंदे डालेंगे तो आप देखते हैं कि पानी तेल में डूबता नहीं, वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो उसे क्रीमिंग कहते हैं। तो जब आप किसी ऑयल अपॉन वाटर इमल्शन में तेल की बूंदे डालेंगे तो तेल तो ऊपर तैरेगा, तो जो क्रीमिंग है वो अपवर्ड होगा। लेकिन यही इमल्शन अगर वाटर अपॉन ऑयल है जहां तेल ज्यादा है उसमें तेल डालेंगे तो तेल नीचे बैठ जाएगा, तो वो होगा डाउनवर्ड। ये एक तरीका है, अपवर्ड और डाउनवर्ड तरीके से देख सकते हैं। फ्लोरोसेंस टेस्ट, व्हाट इज द फ्लोरोसेंस टेस्ट, आप किसी भी पानी में कोई लाइट मारिए तो क्या पानी चमकेगा, नहीं चमकेगा, लेकिन आप तेल में लाइट मारिए तो तेल चमकेगा। यानी दो तरह के इमल्शन है मेरे बच्चों, दो तरह के इमल्शन है, उसमें आपको लाइट मारना है और लाइट मार के देखना है कि चमक कितना है, और चमकता केवल ऑयल है, तो जिसमें आपको कहीं कहीं चमकता दिखाई दे पैटर्न वाइज, तो समझ लीजिए कि उसमें तेल की मात्रा कम है, तो जब तेल कम है तो वो क्या हो जाएगा, ऑयल अपॉन वाटर, डॉट पैटर्न दिखेगा। और जब पूरे चमकने लगे मतलब तेल ज्यादा है तो वो कौन सी इमल्शन हो जाएगा, वाटर अपॉन ऑयल, ये होगा पूरा का पूरा इमल्शन जो है वो चमकने लगेगा। अगला है, आप COCl2 यानी कोबाल्ट क्लोराइड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो फिल्टर पेपर क्या होता है उसके साथ, वो पानी को पा करके नीला हो जाता है, उसका नेचर होता है कि जब भी कोबाल्ट क्लोराइड फिल्टर पेपर में हम पानी डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, तो किसमें पानी ज्यादा है, किस इमल्शन में, ऑयल अपॉन वाटर में, तो इसके साथ वो नीला हो जाएगा, इसके साथ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसे पानी बहुत कम के है ना के बराबर है। ये इतने सारे आपके 10 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं जो कि थ्योरी एग्जाम के साथ साथ हमको बेसिकली जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बनते हैं, मैंने आपको सब समझा दिया, ऐसे ही पढ़िए याद की को, फार्मास्यूटिस्ट जिसका रेडी है उसे कुछ भी तैयार करने की दिक्कत नहीं। अब आती है हम लोग टॉपिक वन नेक्स्ट है, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस, इमल्शन खराब कैसे हो, ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण आपका इमल्शन खराब हो सकता है या खराब हो जाता है, उसमें कौन कौन से है, पहला है कोलेसेंस, ठीक है, फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग, ब्रेकिंग और फेज इन्वर्जन, ये पांच ऐसी चीजें हैं जो ये डिनोट करता है कि आपका इमल्शन खराब हो चुका है। पहला है आपका कोलेसेंस, कोलेसेंस का मतलब है पूरा इमल्शन क्लियर नहीं रहेगा, जैसे आप देखते हैं इमल्शन क्लियर होना चाहिए साफ साफ बोतल में, वो धुंधला दिखाई देगा, उसमें सब टर्बिडिटी रहेगी, बहुत धुंधला रहेगा, कलर क्लियर नहीं रहेगा, मतलब वो इमल्शन आपका एकदम खराब है, आप पहचान जाइए कोई इमल्शन खराब हो चुका है। फ्लॉकुलेशन यानी कि ऑयल अपॉन वाटर का जो आपने इमल्शन बनाया है मेरे बच्चों, इसको इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि आपने जो भी इमल्शन बनाया है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ ड्राइंग व्राइंग करके, चलिए कुछ ड्रॉइंग करके बताता हूँ। मान लीजिए आपका ये बोतल है और इसमें ये इमल्शन भरा हुआ है, ठीक है, तो अब इमल्शन में क्या होता है भाई, ऑयल अपॉन वाटर मिक्स होता है, लेकिन आप देखेंगे कहीं कहीं पे खूब गुच्छा बना हुआ है, यानी कहीं कहीं पे ये जो ढेर से बड़े बड़े ऑयल के टुकड़े बने हुए हैं और पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं फैला हुआ,
ये जो बड़े बड़े आपको गुच्छे दिखते हैं इसी को हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं, और ऐसे इमल्शन या सस्पेंशन को फ्लॉकुलेटेड कहते हैं। तो अगर आपको पूरी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है ऑयल का या वाटर का, कहीं कहीं पे ज्यादा है और कहीं कहीं पे कम है, इसे फ्लॉकुलेटिंग कहते हैं, और इसी फ्लॉकुलेटिंग को ही हम लोग कहते हैं इमल्शन खराब। यानी पांच तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इमल्शन हमारा खराब है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहला था कोलेसेंस, पूरा धुंधला हो जाए। दूसरा है फ्लॉकिंग। तीसरा है क्रीमिंग। अब क्रीमिंग क्या होता है बच्चों, इसको समझिए। आपको पता है कि आपके इमल्शन में बेसिकली ऑयल और वाटर दोनों होते हैं और दोनों मिक्स के फॉर्म में रहते हैं। तो अगर किसी कारण से आप देखिए कि जो ऑयल वाला पोर्शन है वो अलग दिखाई दे और जो वाटर वाला पोर्शन है वो अलग दिखाई दे, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो ऑयल है वो अलग हो गया और जो वाटर है वो अलग हो गया, जबकि इमल्शन में ऑयल और वाटर दोनों साथ में मिक्स होने चाहिए, लेकिन ऑयल अलग वाटर अलग 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 फेज अलग हो गया, इसी को हम लोग ब्रेकिंग इमल्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग या क्रैकिंग। ठीक है, ये ब्रेकिंग या क्रैकिंग। लेकिन अगर पूरे इमल्शन में मेरे बच्चों अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, पूरे इमल्शन में बात करें, देखिए मैंने आपको पहले ब्रेकिंग और क्रैकिंग बता दिया, और अगर पूरे इमल्शन में ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ आपको ऑयल के गुच्छे दिखाई दे, ऊपर की तरफ, पूरे में नहीं, मतलब अलग अलग नहीं हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ आपको ऑयल अलग दिखाई दे, इसे क्रीमिंग है। क्रीम क्या होती है? ऊपर जमता है मलाई, मलाई होता है ना मलाई, तो क्रीमिंग का मतलब क्या है कि ये मिक्स नहीं है, कुछ ऑयल के टुकड़े बाहर ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, यानी ये क्रीमिंग है, और पानी और तेल एकदम अलग हो जाए तो वो आपका ब्रेकिंग या क्रैकिंग है। और फेज इन्वर्जन क्या है कि पहले आपने बनाया था ऑयल अपॉन वाटर इमल्शन और वो कुछ देर बाद बन गया वाटर अपॉन ऑयल इमल्शन, ये फेज ही बदल गया, इसे फेज इन्वर्जन कहते हैं। ये भी हमारे लिए सही नहीं है। ये पांच दोष, ये क्यों हो सकता है भाई? आपने ऑयल अपॉन वाटर में ऑयल की मात्रा कम होती है, वाटर ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा ऑयल मिला दिया, अब ऑयल ज्यादा हो गया तो वाटर कम हो गया, तो वाटर अपॉन ऑयल इमल्शन बन गया, है ना, उल्टा हो गया। तो ये पांच चीजें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो इमल्शन है वो स्टेबल है कि नहीं है। वो पांच कौन कौन से? कोलेसेंस टेस्ट हो गया, फ्लॉकुलेशन हो गया, क्रीमिंग हो गया, ब्रेकिंग या क्रैकिंग हो गया, और लास्ट में फेज इन्वर्जन। ये सभी चीजें मिलाने से, ये चीजें होने से क्या होता है? हमारा इमल्शन स्टेबल नहीं। इसको स्टेबल करने का तरीका क्या है? इसमें आप इमल्सीफाइंग एजेंट मिला दीजिए, इमल्सीफाइंग एजेंट प्रॉपर इस्तेमाल कर दीजिए। दोनों शादी में जब लड़की लड़का अलग हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, तो एक मीडिएटर ला दीजिए दोनों को मिलाने के लिए, यानी इमल्सीफाइंग एजेंट ला दीजिए, ऑटोमेटिक रिश्ता सुधर जाएगा। ये सारे के सारे इमल्शन जो खराब हो रहे थे अब वो सुधर जाए, ठीक है। तो फ्लॉकुलेशन में हम कैसे ठीक कर सकते हैं भाई? ग्लोब्यूल साइज जो है उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए ताकि उसको यूनिफॉर्म बना रहे, छोटे साइज होगा। ग्लोबुलर सरफेस आयनिक सर्विसाइन एजेंट विस्कोसिटी को कम बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, ग्लोब्यूल रिमूवल, ये सब तरीके करके हम फ्लॉकुलेशन को रोक सकते हैं। क्रीमिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? क्रीमिंग मैंने बताया कि ऊपर की तरफ तेल इकट्ठा हो गया है कंटेनर पे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स है उसे टॉप ऑफ इमल्शन उसे मिक्स करके उसको वापस भेज सकते हैं। दो तरीके से हम मूवमेंट करा सकते हैं, और भाई दो तरीके से क्रीमिंग हो सकती है। ऑयल अपॉन वाटर में ऑयल ऊपर रहेगा तो अपवर्ड, और वाटर अपॉन ऑयल में ऑयल कम रहेगा ज्यादा रहेगा तो नीचे, यानी डाउनवर्ड और अपवर्ड दो प्रकार की क्रीमिंग होती है बेसिकली, ठीक है। और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? जो ठीक करने के तीन तरीके हैं, रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज बाय होमोजेनाइजेशन, यानी होमोजेनाइजेशन मशीन का इस्तेमाल करके पार्टिकल साइज को बहुत छोटा कर दिया जाए ऑयल या वाटर के तो वो मिक्स हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा दिया जाए, गाढ़ा कर दिया जाए, थिकनिंग एजेंट इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। और तीसरा, हम उसमें डेंसिटीज को, जो लिक्विड और वाटर मिलाए हैं उसकी डेंसिटीज के डिफरेंस को कम करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये तीन मेथड से आपसे पूछ सकता है कि विच मेथड वी कैन रिड्यूस, वी कैन स्टेबल द क्रीमिंग इमल्शन, वो इमल्शन क्रीमिंग हो गया है उसे ठीक कैसे करेंगे। तीन तरीके हैं इसको ठीक करने के। अगर किसी इमल्शन में ब्रेकिंग हो गई है या क्रैकिंग हो गई है, दोनों अलग अलग हो गए हैं वाटर ऑयल, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए हम अमोनियम क्लोराइड का मिक्सर लेते हैं, अमोनियम ओलेट के साथ उसको मिक्स करते हैं, तो जैसे डालेंगे इमल्शन हमारा क्रैक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इसका मतलब ऑयल और वाटर फेस अलग हो गया है। अब हम उस पर धीरे धीरे सोडियम क्लोराइड मिक्स करेंगे, सोडियम कंटेनिंग में इमल्शन फिर क्रैक हो जाएगा। यानी कि दो तरीके हैं जिससे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इसको डालते ही हमारा इमल्शन क्रैक हो जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है। इसीलिए हम इसमें इनकम्पेटिबल इमल्सीफाइंग एजेंट, बेसिकली मोनोवेलेंट सोप और डाइवेलेंट सोप का इस्तेमाल करके ऐसे इमल्शंस को हम ठीक कर सकते हैं। बेसिकली कौन कौन से? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब का इस्तेमाल करते हैं।
और फेज इन्वर्जन अगर हो गया हो तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही डालेंगे सोडियम अल्जिनेट ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैट स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैट के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैट 2024, और उसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैट स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन और वीडियो से।